मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस को आगे बेचने पर कमीशन मिलती है। इस प्रोसेस के अंदर एक चेन बनाई जाती है जिसमें लोगों को जोड़ा जाता है। जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं और प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, उसी हिसाब से उन्हें एक तय कमीशन मिलती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब सारी बातें मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब की दुनिया के दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। पूरे इंटरनेट पर यही चल रहा है कि विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी, इन दोनों लोगों के बीच में आखिर सही कौन है। अभी तक संदीप महेश्वरी इस कंट्रोवर्सी में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में विवेक बिंद्रा ने यूट्यूब पर एक वीडियो डाली जिसके बाद संदीप महेश्वरी खुल करके सामने आए और बोले, ये जो आप बच्चों के साथ कर रहे हैं ये पूरी तरीके से एक स्कैम है। विवेक बिंद्रा अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखते हैं। संदीप महेश्वरी ने इनके इस डॉक्टर की डिग्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संदीप महेश्वरी का जो YouTube चैनल है वो आज तक अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि यदि मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं अपने YouTube चैनल को 2-3 महीनों के लिए मोनेटाइज कर दूंगा। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों लोगों में से कौन सही है? आप नीचे कमेंट करके बताओ। गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।